सो गाइज दिस इज कमिल एंड यू आर वॉचिंग क्या प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई लाइट मोशन वीडियो एडिटिंग ऐप में ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधा चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आज को लाइट मोशन वीडियो एडिटिंग ऐप में, तो लाइट मोशन पर आने के बाद सबसे पहले हमें प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को चूज कर लेंगे। ठीक है, सो 9:16 के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें प्लस आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप व्यू वॉल के ऊपर क्लिक करके होल्डर से अपना एक पिक्चर ऐड कर लेंगे सबसे पहले, या आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हो, टोटली डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप क्या ऐड करना चाहते हो। सो मैं डाउनलोड फोल्डर को चूज़ करता हूँ और यहाँ से मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, तो मैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो ऐड कर रहा हूँ। सो प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका फ़ोटो आ जाएगा। सो अभी फ़ोटो को हमें जूम कर लेना है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप अपना फ़ोटो को जूम कर लेंगे। सो मैं जूम कर लेता हूँ अपनी पिक्चर को इस तरीके से, तो थोड़ा और जूम कर लेते तो ये हमने फ़ोटो को जूम कर लिया, आप देख सकते हो। ओके सो उसके बाद आपको क्या करना है, इसका टाइमलाइन आपको ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और छोटा करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा कर लेंगे अपनी ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक जितने सेकंड का आप लिरिक्स वीडियो बनाना चाहते हो, तो मैं अराउंड इतना रख लेता हूँ। ठीक है, सो उसके बाद इसकी स्टार्टिंग पोजिशन पर आपको आ जाना और अभी आप चाहो तो बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फोटो आपने ऐड किया उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ऐड इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सर्च का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है गौशन ब्लर। ठीक है, सो इस तरीके से आप गौशन ब्लर लिख के सर्च कर लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। सो ये रहा आ चुका है गौशन ब्लर, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करना है। उसके बाद गौशन ब्लर का जो अमाउंट है उसको आप थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, सो अराउंड आप इतना इंक्रीज कर लेना। उसके बाद सिंपली यहाँ से आ जाना है बैक। ठीक है, सो बैक आने के बाद अभी आपको यहाँ पर ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे प्लस आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से व्यू वॉल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक इफेक्ट ऐड करना है। सो यहाँ पर इस वीडियो पर मैं जितनी भी चीज़ों का यूज़ करूँगा सभी चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ एक इफेक्ट, सो ये रहा, तो ये वाला इफेक्ट आपको भी ऐड कर लेना है। सो ये कुछ इस टाइप का इग्नाइट इफेक्ट और इसे आपको बड़ा कर लेना है इस तरीके से, सो कुछ इस तरीके से और बड़ा करके इसे अब अपनी पूरी फोटो पर सेट कर लेंगे, पूरी फोटो के ऊपर इसे इस तरीके से सेट करेंगे। उसके बाद इसका टाइमलाइन आपको क्या करना है, अपनी मेन फोटो के साथ एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है, तो उसके बाद आपको प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है अगेन। तो प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से व्यू वॉल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना लिरिक्स ऐड कर लेंगे, सो लिरिक्स का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं आपको एक नहीं दूंगी बल्कि 5 आपको लिरिक्स इफेक्ट का लिंक दे दूंगा, तो जो भी म्यूजिक के साथ लिरिक्स आपको अच्छे लगते हैं उसको आप यूज़ कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर तो ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा लिरिक्स आ जाएगा, सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा लिरिक्स, और इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर और इसके साथ और भी लिरिक्स इफेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली ये जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा लाइटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको सिंपली कर देना है स्क्रीन। सो स्क्रीन करने के बाद आप यहाँ पर एक बार प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से आया है। उसके बाद आपको अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और अगर आप इस तरीके से अपना खुद का लिरिक्स बनाना चाहते हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि किस तरीके से आप इस तरीके लिरिक्स एडिटिंग कर सकते हो। तो उसके बाद अगेन हमें इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और व्यू वॉल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम एक और इफेक्ट ऐड कर लेते। सो मैं देख लेता हूँ कौन सा इफेक्ट ऐड करूँ, तो इस पर हम ये वाला इफेक्ट ऐड कर रहे हैं, सो आपको प्ले करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके है। सो प्लस के ऊपर क्लिक करना है तो आप देख सकते हो इफेक्ट आ चुका है। सबसे पहले इसके अंदर आपको एक वॉइस सुनने के लिए मिलेगा तो इसको म्यूट कर लेना है इसके ऊपर क्लिक करके, तो ये म्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, नगिन आ जाना है ब्लेंडिंग पर और लाइटन पर आकर सिंपली इसको कर देना है स्क्रीन। आप इसको ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, सो मैं बिल्कुल फुल रखूँगा।
फुल रखने के बाद अभी आपको क्या करना है, अगेन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, व्यू वॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप एक और इफेक्ट ऐड कर लेंगे। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये इफेक्ट हमारा कुछ इस तरीके का होगा। सो अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करना है और इसे भी ऐड कर लेना है और इसे आप बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। सो आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरीके से आप इसे भी बड़ा कर लेंगे और बड़ा करके इसे सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर भी आपको साउंड सुनने के लिए मिलेगा वॉइस, सो आपको इसे भी म्यूट कर लेना है यहाँ से। और इसको हम ऐसा करते सो अच्छी तरह सेट कर लेते। ओके तो अभी सेट हो चुका है। और अगेन आ जाना ब्लेंडिंग पर और लाइटन पर आके इसको भी सिंपली कर देना स्क्रीन, ठीक है। ओके तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इस साइड पे सारा लेयर दिखाई देगा, जितनी आप लेयर वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप कोई भी लेयर ऑफ करके इस तरीके से देख सकते हो, लाइक कुछ इस तरीके से। सो उसके बाद आप यहाँ से फाइनली अपनी वीडियो को प्ले करेंगे और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा लिरिक्स एडिटिंग हो चुका है। तो बेसिकली इस तरीके से आप लाइटन के अंदर काफ़ी इजीली बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का लिरिक्स एडिटिंग कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, इसे सेव करना है। तो इसे सेव करने के लिए आपको ये जो आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है रेजोल्यूशन चूज कर लेंगे। यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके 1080p चूज कर सकते हो और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप जो है लाइटमोशन के अंदर लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।